डियर स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो, तो जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके ऊपर आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखेंगे। फिर उसके बाद मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, डेफिनेशन लिखिए। द रीजियन इन स्पेस, द रीजियन इन स्पेस अराउंड ए चार्ज विथ विच इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज। तो ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर आप उसे रखोगे तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा बट आप महसूस कर सकते हो। तो महसूस कैसे करोगे, महसूस करने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम एक फील्ड बनाएंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज और फिर देखेंगे कैसे बन रहा है। देखिए द रीजियन इन स्पेस, जो रीजियन बनता है इन स्पेस, स्पेस मतलब रॉकेट मिसाइल वाला जो जाता है वो वाला स्पेस नहीं, कोऑर्डिनेट स्पेस, जैसे थ्री डायमेंशनल स्पेस, उसको ही बोलते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो जो रीजियन बनेगा इन स्पेस अराउंड ए चार्ज विथ विच इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज, उसी को हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका भी डायरेक्शन है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन है, और इसका जो डायरेक्शन है इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन था ये। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हम देखिए एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। और ये सर्कल बनाना पड़ रहा है, ये आपको भी पता है, ये टू डायमेंशनल प्लेन है तो यहां पर मैं स्फीयर बना नहीं सकता। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो रीजन बन रहा है इस चार्ज के अराउंड, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है, ठीक है। मैं यहां पर एक लिमिटेड स्पेस लेकर बना रहा हूं, लिमिटेड रीजन बना रहा हूं, ये वरना ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है। तो कोई भी टेस्ट चार्ज हो, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। समझ में आ रहा है या नहीं, इसका जो वैल्यू है इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए वरना काम नहीं बनेगा। तो इसका जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, और इसका जो वैल्यू होगा ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो चार्ज है, आपने इस चार्ज को क्यू नॉट को, कोई भी पॉइंट आपने लिया पी, इस पॉइंट पी पर क्यू नॉट को प्लांट किया, मतलब आपने क्यू नॉट को इस पॉइंट पर रखा, और ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्पीयर। तो ये जो क्यू है, इस क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा एज पर कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अगर कूलम्स लॉ पता नहीं है तो चले जाओ भाई, वीडियो में है अवेलेबल कूलम्स लॉ और उसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो के क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ रहा है। तो अगर ये फोर्स लग रहा है मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इस चार्ज को यहां पर लाओगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, मतलब डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ जाता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। मतलब फील्ड है या नहीं, बस इसका तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पॉइंट पर है मतलब उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वरना नहीं है। अगर यहां पर रखे हो और यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है तो यहां पर फील्ड फील्ड कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको आपको दिमाग में रखना है। और एक बात, क्यू नॉट को अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं तो क्यों लेते हैं, ये भी एक कंफ्यूजन है। देखो अगर क्यू नॉट को आप बड़ा ले लोगे, इसका वैल्यू अगर बड़ा आ जाएगा तो इसका एक कैपेसिटी डेवलप करेगा कि ये क्यू चार्ज, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इसको हम बोलेंगे सोर्स। जैसे कि आपका सन होता है, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी,
सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो ऐसे ही आपका जो कैपिटल क्यू है इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अगर ये क्यू नॉट बड़ा हो गया तो इस क्यू को रिपेल कर देगा। अगर रिपेल कर देगा अब ये क्यू यहां पर नहीं रुकेगा, अब ये क्यू इधर चला आएगा तो फील्ड इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो ओरिजिनल फील्ड है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो डिसॉर्टेड हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको छोटा लेते हैं। ठीक है, अगर फील्ड यहां पर चला आया और आप इस पॉइंट पर बैठे हो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है इस पॉइंट पी पर, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि फील्ड तो इधर आ गया है और आप इधर क्या कर रहे हो भाई, इधर तो फील्ड आएगा ही नहीं क्योंकि फील्ड अब इस रीजन में आ गया है, अब इस रीजन में फील्ड है ही नहीं, रिपेल हो गया है, चार्ज इधर है तो फील्ड इधर आ गया है। तो आप इस पॉइंट मतलब फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर आ सकता है पर यहां पर नहीं आएगा, तो आप फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिर आप वैसे यहां पर लाओगे तो फिर उसको रिपेल करेगा तो ओरिजिनल फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसीलिए हम उसको बहुत ही छोटा लेते हैं। तो यही था इसके रिलेटेड कुछ बातें। फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है।